फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था कि कैसे डिसिमल्स नंबर क्या होता है और कैसे इसको रीड या राइट किया जाता है। यहां पर मैं होमवर्क आपको दे दे रहा हूं, कैसे आप लिखेंगे होमवर्क को कर करके रखना। और एक चीज इंपॉर्टेंट बात मैं जो नोट में बता दे रहा हूं कि किसी भी फ्रैक्शनल नंबर या डिसिमल फ्रैक्शन के एक्सट्रीम राइट में, एक्सट्रीम राइट मतलब कि पॉइंट के बाद जो डिजिट होता है तो लास्ट डिजिट के एंड में आने वाला जीरो जो होता है इसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं करता है पूरे नंबर। जैसे 86.26 है, यहाँ पर आप देख रहे हो 86.26। अब इतना ही इसका होगा, 26 के बाद इतना भी जीरो दे दो इसका कोई, ये इतना ही वैल्यू, मेन वैल्यू इसका इतना ही रहेगा, दूसरा कुछ नहीं हो सकता है। तो इसी को मैं दिया हूं कि जीरो प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द डिजिट राइट टू द डेसिमल हैज नो वैल्यू। तो ये सारे जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। क्यों नहीं वैल्यू होता है? क्योंकि जो ओरिजिनल नंबर है इसके वैल्यू में इससे कोई चेंज नहीं होता है। थैंक यू वेरी मच। स्टॉप।